नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बराव पंचायत में और बराव पंचायत के मुखिया श्री राम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। युवा नेता है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक ज़बरदस्त मुहिम के साथ अपने पंचायत को डेवलप करने का काम करते हैं। अभी हमारे साथ हमारी ही गाड़ी में बैठे हुए हैं और काफ़ी ही सुंदर व्यक्तित्व के इंसान हैं। साथ ही योजना के तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं इनके पंचायत में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर नाराजगी भी है। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या क्या नाराजगी है और क्या बताना चाहेंगे। हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुखिया जी क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना, जो कि लगभग काफ़ी दिनों से आप लोग कर रहे हैं, सारे खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव भी हो गया होगा, क्या लगता है ये योजना धरातल पर है या फिर फेलियर योजना है, क्या बताएंगे? देखिए, ये जो सात निश्चय योजना है, पहले हम लोगों ने जो काम किया, जो ना वार्ड सदस्य को बताया गया ना मुखिया जी को बताया गया, कोई पता नहीं था। हम लोगों ने वार्ड के खाते में पैसा डाल दिया। जो पहले काम था वो थोड़ा बहुत फंसा हुआ है, और जो इधर में हम लोगों ने जब जानकारी हुआ उसके बाद हम लोगों ने वार्ड में जो काम किया। आप पर्सनल जो बराव पंचायत में हमारा काम है, 12 वार्ड में, 13 वार्ड मेरा टोटल है, एक वार्ड में काम फंसा हुआ है बोरिंग फ्लप्स होने के चलते, बाकी 11 वार्ड में पानी चालू है। मैं सात निश्चय योजना में जो PCC भी करना था, जो नली भी बनाना था, गली भी सोलिंग करना था, जो पक्का वाला ईंटा से भी करना था, हमने सब कम से कम हमने 11 वार्ड में नली गली का भी काम हमने डाल दिया है पैसा। अच्छा मुखिया जी, यदि बात करें हम आपका शौचालय का, आपकी यहाँ पंचायत में शौचालय का क्या पोजीशन है आपके यहाँ? शौचालय लगभग 90% बन गया है, 10% ही महादलित टोला जो 7 नंबर वार्ड है, मुसहर जाति के लोगों ने है, वहाँ पर नहीं बनने का काम किया। बाद में जब इधर में आया सरकार के तरफ से कि हर पंचायत में 2 शौचालय बनेगा, 6-6 तीन पुरुष बैठेंगे तीन, तो एक हमने 2 नंबर वार्ड में दिया, एक महादलित टोले के 7 नंबर वार्ड में दिया, उसका NOC भी हो गया है, बहुत जल्द ही काम लगने वाला है। अच्छा मुखिया जी, आवास योजना काफ़ी सुन रहे हैं कि आवास योजना में काफ़ी धांधली हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट खसोट मची हुई है, जिसको आवास मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, इस तरह बहुत सारे पंचायतों में शिकायत है, क्या लगता है आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें मुखिया जी को कोई पूरे बिहार में पूछ नहीं है, डायरेक्ट इंदिरा सहायक और सुपरवाइजर और BDO के माध्यम से ही योजना होता है। इंदिरा आवास जो मेरे भी पंचायत में है, जो गरीबों को नाम को जांच करके बिना आवेदन के काट दिया गया, जो बिल्कुल गरीब हैं उसमें भूमिहीन भी लोग हैं, जिनको एक भी पक्का का मकान नहीं है, घर नहीं है, और पैसा लेकर के इंदिरा सहायक जो मुन्नी कुमारी है हमारे पंचायत में, इन्होंने भंसर में भी रहा और जगदीशपुर में भी जहाँ भी रहा एकदम भ्रष्टाचार किया। फर्स्ट किस्त में 20,000 लेती है, दूसरा किस्त में 5,000 लेती है, और उसका पुत्र काम करता है। हमने कई बार BDO साहब से लिखित रूप से भी दिया और कहा कि भाई इसको हटाइए, सब मेरा पंचायत में जिला में एक नंबर स्थान है, लेकिन इंदिरा आवास की स्थिति बद से बदतर है। हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि के समक्ष बहुत संकट उत्पन्न हो गया है उसके लेकर के, और वो आज तक नहीं हटा, जिसको BDO साहब ने BDC के बैठक में उसका लिखित रूप में भी दिए हैं कि हमने वरीय पदाधिकारी को ऊपर लिख दिए उसको बर्खास्त करने के लिए, आज तक उन्होंने बर्खास्त भी नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत जल्द ही इस पर एक्शन लेने वाला हूं, और मैं यहां के अनुमंडलाधिकारी PRO के समक्ष अपनी बातों को रख करके आवेदन दे करके अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल करने का काम करेंगे इंदिरा सहायक के ऊपर। अच्छा मुखिया जी, इस तरह की धांधली हो रही है तो ये आवाज़ अपने आगे DM या BDC के पास अपने नहीं पहुँचा? हमने कई बार चौंपाया, हमने कई बार BDC के बैठक में पूरा हलागुला किया, पूरा कहा उसमें लिखित रूप में, BDO साहब ने सदन में ही कहा कि आपके इंदिरा सहायक के ऊपर हमने बर्खास्त करने के लिए लिख दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं। उसके बाद भी इधर में जो हमारा आया था इंदिरा सहायक, ना हमारे कभी हमसे मिलता है ना मेरा फोन उठाता है। चलिए, हमें जहाँ तक लगता है कि तमाम पदाधिकारी आपके बातों को सुन रहे हैं और निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, और इस तरह के यदि भ्रष्टाचार में वो लोग पाए जाते हैं तो निश्चित तौर से, चूंकि सरकार टाइट है, जिला अधिकारी भी टाइट है, निश्चित तौर से उन पर एक्शन होगी। जानना चाहेंगे मुखिया जी की लघु सिंचाई का जो अभी चल रहा है आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है,
हरियाली योजना, उसमें हमारे पंचायत के हमने सबसे बड़ा काम था हमारा 52 बीघा का जो पोखरा है वो भी पोखरा का टेंडर हो गया है। उसके बाद हमारे गांव में जो बराव भवानी स्थान से बराव फाल तक जो लघु सिंचाई विभाग से 12 जो 2 किलोमीटर में है उसको भी उड़ाही का काम पोकलेन आ गया है, लेकिन यहाँ के अंचलाधिकारी के चलते आज तक नापी नहीं हुआ। पोकलेन 4 दिन से खड़ी है, उसका नापी होने के बाद ही काम लगेगा। आज तक यहाँ के अंचलाधिकारी द्वारा मैंने नापी नहीं कराया गया। इसके बाद हमारे जो अंग्रेजों के समय से जो बहाव में पुलिया था वो पुलिया भी उसका भी टेंडर हो गया है, और लघु सिंचाई विभाग से हमारे पंचायत के कसरे में भी उसका टेंडर हो गया है। चारों जो महत्वपूर्ण काम था जिसे 22 बीघा हमारे बराव पंचायत के किसानों का पटवन होता है वो महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि लघु सिंचाई से बहुत महत्वपूर्ण जो काम होगा और होने वाला है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी युवा नेता श्री राम सिंह जी है, एक अच्छे मुखिया के रूप में अपने पंचायत को डेवलप करते रहते हैं, लगातार प्रयासरत है कि हमारा पंचायत कैसे आगे बढ़े। लेकिन बहुत सारी शिकायतें हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि आवास सहाय के द्वारा जो हमारे पंचायत में धांधली की जा रही है, पहले किस्त में 20,000 लिया जा रहा है, सेकेंड किस्त में 5,000 या 35,000 पता नहीं कितना लिया जा रहा आपने सुना, और इस तरह खुलेआम लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट इन्होंने BDO साहब को भी कंप्लेन किया, लेकिन BDO साहब ने किया कि हमने एक्शन लिया है। BDO साहब ने कहा कि हम एक्शन लिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। तो आखिर एक्शन लेने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सरासर कहीं ना कहीं से मिलीभगत बताई जा रही है। चूंकि इतने दिनों से सारे लोग रुष्ट है कि वैसे वैसे लोगों को आवास सहायक घर दे रहे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, या उन लोगों के लिए प्रयासरत है और जिनका लिस्ट में नाम आ जाता है उनसे पहले ही बोलते हैं कि आपका नाम आया है, आपको आवास का पैसा तभी मिल सकता है जब आपको शुरू में 20,000 रुपये देना होगा। तो इस तरह के आवास सहायक की जो मन बढ़ाने का कार्य होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पदाधिकारियों का हाथ कहा जा सकता है। चूंकि यदि पदाधिकारी इस पर एक्शन लेते तो इस तरह का कंप्लेन करने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात कही जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने अपनी बातों को रखा, और लघु सिंचाई के भी बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने पंचायत में डेवलप करने का, नहर उगाही वगैरह का जो कार्य कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ।